ये दोस्तों राम राम करो भाई। हाँ कैसे हो? आज हम लोग जा रहे हैं घरारू के प्रसिद्ध मंदिर। ये मध्य प्रदेश का सिर्फ एकमात्र मंदिर है, आपको हम दिखाएंगे। फिर नरसिंहपुर से आपको 30 किलोमीटर की समथिंग पड़ेगा, आज हम आपको दिखाते हैं। ये शानदार मंदिर है, शंकर जी की मूर्ति विराजमान है और गरुण देव जैसे कि आप जानते हैं विष्णु जी के वाहन है। आज भाई लोग के साथ जर्नी है, गाड़ी से चलते हैं। ये माय फ्रेंड, दिस इज माय फ्रेंड यादव। भाई क्रीम बेचते हैं, गोरे होने की 7 दिन में रिजल्ट देती है, देखती है खुद इतने गोरे हो गए हैं, गमछा लगाए फिर रहे काले ना होने के डर से गमछा लगाए, बहुत ही गोरे हैं, बहुत ही मिट्टी से ज़्यादा। भाई चश्मा लगा के दिखाओ अभी, ये भाई ने चश्मा लगा लिया, भाई लग रहा है भाई नरसिंहपुर से लेना पड़ेगा। नरसिंहपुर से 15 किलोमीटर उमरिया पड़ेगा जो कि हमारा गांव है, वहां से आपको समनापुर की साइड जाना पड़ेगा जो कि 7-8 किलोमीटर की समथिंग है। वहां से एक टर्न पड़ेगा, हम दिखाएंगे आपको टर्न। तो तुम्हारा भाई ये कॉल कर लेना, गरुड़ मंदिर दिखाएगा शानदार। और बाकी सब बढ़िया ही है, बोनी चालू हो गई खेतों में, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, भाई वीडियो लाता रहेगा। अरे किस स्पीड में आपने खेत आपको बना, अपना गन्ना दिखाएंगे हमारे खेत का फुल ऑर्गेनिक है, इसका गुड़ बनाएंगे, टेस्ट करेंगे भाई। गाड़ी धीरे चला, जानते आ रही सब कंपनी भाई का स्टंट दे, वाह अरे बेटे वाह मौज कर दी, तुम तो हैवी ड्राइवर हो, जान प्यारी नहीं भाई को, ये पसर जाओगे। अरे भाई चल दे एक्सलेटर, ये हमारे हैवी ड्राइवर्स आने वाले इंस्टाग्राम यूट्यूबर। चलो भाई टी पहुंची जा रही है, थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर का बस अंतर है घरारू आने में, गरुड़ देव का मंदिर प्रसिद्ध। आ चुके हैं हम घरारू गांव, हमारा आज घरारू गांव में बहुत दिनों बाद आना हुआ, देख ही सकते हैं जैसा कि आप, हम इस गांव में आ चुके हैं। अब यहाँ की खूबसूरती के हम आपको दर्शन कराएंगे, आपको बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा देखने का, पर आपके लिए हम आए हैं, ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। शानदार गांव में प्रवेश है, आते ही वृक्ष पड़ता है बहुत ही बड़ा, बहुत सारी दुकानें भी हैं, जैसे आपको शॉपिंग करना है तो आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ें यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हम चलते ही जा रहे हैं, बस 1 मिनट की दूरी पर हमारा जर्नी आ रही है। ओके सो लेट्स गो विनिंग। भाई गाड़ी आराम से चलाइए, पानी डला है, गिर गए तो लेने देने पड़ जाएंगे। चलो गोट्स प्लीज साइड प्लीज साइड प्लीज, हाँ एक रास्ते चलते चलो। भाई लोग को रास्ता मिल गई है, चलो बाय बाय, चलो बढ़ते हैं आगे धीरे। अरे धचक्का भारी है, धीरे चला गाड़ी पटाखा का। ऊपर से एक आपको दिखाएंगे, अभी नीचे से देख लीजिए कौन से जाना अपन का, जी मंदिर है इतने ऊपर को हमको चढ़ना है, ये लगा है बोर्ड जिसको आप देख ही सकते हैं, पढ़ लीजिए भाई कैमरामैन आ जा पीछे पीछे, चलते चलो धीरे चलिए ऊपर मंदिर जाइए। बहुत ही शानदार भव्य मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर। कैमरामैन को साइड दो भाई, कैमरामैन घुस गया, कैमरामैन धीरे गिर मत जाइयो। चलो एक्सीलेटर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया कैमरामैन की, कैमरामैन फूसने लगा है,
ज़्यादा हवा। ये देखिए सेकंड मंदिर, इसका भी हम आपको वीडियो लाएंगे, थोड़ा टाइम दीजिए हमें। ये विंध्याचल रेंज पूरी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी। चलते चलो बॉस, दोस्तों को दिखाओ। ये हमारा भव्य मंदिर, ऊपर दो शेर हैं, नर्मदा नदी यहीं से गई है। आ चुके हैं हम अपने घराल मंदिर, देख ही सकते हैं आप वहाँ पे। ये है पुराना, बहुत ही पुराना घराल मंदिर, गरुड़देव का, मध्य प्रदेश का सिर्फ एकमात्र मंदिर, जो विष्णु जी के वाहन वाहन गरुड़देव का यह एक मंदिर है। वहाँ पे भी शंकर जी का एक शानदार मंदिर है। बाजू से नर्मदा जी बह रही हैं, पहाड़ियाँ हैं पूरा, ये आप देख सकते हैं जो पहाड़ी, विंध्याचल रेंज है, ये पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई है। सतपुड़ा रेंज बहुत दूर है यहाँ से, देख सकते हैं नर्मदा जी का बिल्कुल अनुपम रूप। चलिए आपको हम ऊपर दिखाते हैं। रास्ता तो हमने एक तो आपको बता ही दी कि कहाँ कहाँ से आना है, तो अब चलिए अब ऊपर हम खुद आपको दिखाते हैं। बहुत ही शानदार सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, कैसे बनाई हैं आप भी लोग देख भी सकते हैं। इतना ऊपर बना है ये मंदिर गाँव से, देख सकते हैं आप कैसे कैसे हम लोग ने बनाई होगी। चलो एंटर कर दिया, ऊपर प्रवेश द्वार हम घुसेंगे। ऊपर हम लोग आए तो वैसे ही थक चुके हैं। और ये जब दुर्गा जी विराजमान करते हैं, विसर्जन करते हैं, उनको दुर्गा जी विसर्जित करते हैं, पर उनके जो वाहन जाता है उसको अपन यहाँ ले आते हैं। चलिए आइए देख ही सकते हैं आप ये मंदिर किले जैसा है। और यहाँ पर देखो ये मंदिर सत्रहवीं शताब्दी में बनाया गया था, बहुत ही शानदार मंदिर, सत्रहवीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। गरुड़ मंदिर गरारू इंडो इस्लामिक शैली में स्तंभ बनाया गया है। संग्रहालय है यहाँ, संग्रहालय की उससे गर्मी है, इस कारण थोड़ा सा अभी सूखा है। अगर इस भर जाएगा तो उसमें मछलियाँ भी डाल दें, बहुत शानदार दृश्य लगता है। आप आइए देख देख सकते हैं आप, पानी सप्लाई की पाइपलाइन भी यहाँ पर ऊपर, बहुत ही शानदार पानी का बहुत सारे गांव यहीं से दिखते हैं। दूसरा मंदिर वो शंकर जी का वहां, अभी हम वहां पे भी चलेंगे, पूरा गांव यहीं से दिख जाता है। यहाँ को चलते हैं आप, आपको मंदिर से विजिट कराएंगे, देखते हैं अंदर क्या है। चमगादड़ की आवाज यहाँ पे आएगी, आवाज भी गूंजेगी थोड़ा आपको। अंदर चलते हैं, बहुत सारी चमगादड़ हैं, हम ये भी डर लग रहा है कि बाहर से दर्शन कर लेते हैं। शंकर जी की मूर्ति विराजमान है, अंदर देखिए जूम करके। शंकर जी की मूर्ति आपने देखी ली, और आइए यहाँ पे, यहाँ पे भी बहुत सारे चमगादड़ हैं, धीरे से धीरे से पता निकल जाते हैं। ये शंकर जी विराजमान है, यहाँ पे बहुत सारे तीन तीन द्वार है। गोंड राजा बलवंत सिंह द्वारा ये मंदिर करवाया गया था। नीचे को क्या आइएगा, ऊपर की चमगादड़ है, बहुत ही शानदार अनुपम दृश्य लग रहा है, आप ऊपर का सीन देख ही सकते हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं सर।
चमगादड़, यहाँ भी चमगादड़, सारे जगह चमगादड़। एक ये चमगादड़ बैठा है, ऊपर आ जाते हैं मुक्त द्वार, धीरे से आइएगा कैमरा मैन, कैमरा मैन को लग गई। यहाँ से नजारा और शानदार लगता है, छोटे छोटे पिंडी पिंड बनाए गए हैं, यहाँ से निकलने के लिए रास्ता है। अरे भाई बहुत तंग जगह हैं। माना जाता है कि इनमें से निकलते हैं तो अपन जो भी दुआ मांगते हैं, विश मांगते हैं वो पूरी होती है। चार पिंड है यहाँ पे, 1, 2, 3 और 4, ये बड़ा वाला है। ऊपर आ जाइए कैमरा मैन, यहाँ से पूरे गांव का व्यू दिख जाएगा। बहुत ही शानदार हवा भी चल रही है यहाँ पे, बहुत ही सुकून मिलता है ऐसी जगहों पर। देखिए पूरा शानदार सीन, सारे खेत जितने भी हैं। चलते रहिए, दर्शन कराते रहिए, इस साइड और आ जाइए। सारी प्रकार की वनस्पतियाँ, जड़ी बूटी यहाँ पर पाई जाती हैं। लोग आदिवासी भी जनजाति निवास करती हैं। शाम के टाइम पे यह दृश्य मनोरम लगता है, हरियाली आ जाती है, पशु पक्षी भी आ जाते हैं। आप जो देख सकते हैं तो मंदिर हमने विजिट कर रखे, सारी यहाँ की बेस्ट चीज जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, गांव भी हमने दिखा दिया सारी चीज। तो हम चलते हैं अपने घर की ओर, और जो भी समस्याएं हो यहाँ पे आप लोग का आना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, सारी हम देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।